हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। अभी इस टाइम मेरे हाथ में है MI का पहला ड्यूअल कैमरा फोन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MI A1 की। ये MI का पहला ना केवल ड्यूअल कैमरा फोन है बल्कि पहला एंड्रॉयड A1 फोन भी है। जी हाँ, अभी तक MI के जितने भी फोन थे उसमें MI का कस्टमाइज्ड जो OS है, MIUI, वो आपको मिल रहा था, लेकिन MI A1 के अंदर आपको प्योर एंड्रॉयड मिलने वाला है। और क्या क्या इसके अंदर खूबसूरती है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे MI A1 के इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स हैं MI A1 के अंदर और इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सनी डागर, आप देख रहे हैं वेट फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MI A1 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। दोस्तों, इसकी जो पॉलिथीन पैकेजिंग थी वो मैंने निकाल ली है और इसकी पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बॉक्स है। यहाँ पे इसके फ्रंट पे यहाँ पे MI A1 की बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगी हुई है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MI A1 लिखा हुआ। इसके अलावा अगर मैं इसके साइड्स की बात करूँ तो साइड में भी यहाँ पे MI A1 लिखा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है कि एंड्रॉयड 1 OS पे चल रहा है। जी हाँ, MIUI इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। तो कुल मिला के बॉक्स बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे ऊपर ही हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि ये ड्यूअल कैमरा फ़ोन है। इसके अलावा ये प्योर एंड्रॉयड है। जी हाँ, आपके पास फ्रेश अपडेट्स आती रहेंगी एंड्रॉयड की जैसे ही ये अपग्रेड होता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 625, जो कि एक बहुत ही यूनिक प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो ये फ़ोन जो है ये जल्दी से स्लो नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसके अंदर फुल HD 5.5 इंच की डिस्प्ले है। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। इसके अंदर मूवीज़, वीडियोज़ बहुत ही अच्छी दिखने वाली हैं। इसके अलावा अगर और स्पेसिफिकेशन की बात करूं जो कि बॉक्स के ऊपर लिखी हुई है, तो ये एक ड्यूअल सिम ड्यूअल स्टैंड बाय फ़ोन है। इसके अलावा ये LTE नेटवर्क, CDMA, WCDMA, GSM क्वालिटी का सपोर्ट कर रहा है। ड्यूअल कैमरा है इसके अंदर 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि काफ़ी सारे इस रेंज के फ़ोन जो हैं उनके अंदर ड्यूअल जो कैमरेज हैं वो 12 प्लस 12 के नहीं आ रहे हैं। एक कैमरा बड़ा होता है 16 मेगापिक्सल का, एक छोटा होता है 2 मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन दिया है कैमरे का। इसके अलावा फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है क्योंकि 5 मेगापिक्सल आज के टाइम में जो मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है फ्रंट कैमरास का, सेल्फीज़ का, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं जाता है। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे थिन बॉडी है और फुल मेटल यूनिबॉडी है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस फ़ोन की फुल बॉडी जो है वो मेटल की है। इसके अलावा इसके अंदर रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो आपको अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए बार बार पैटर्न या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh की है। तो बैटरी भी थोड़ी सी यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आपको याद होगा कि जो MI का जो रेडमी है, रेडमी नोट 4 जो है, उसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है। तो यहाँ पे ये चाहते तो इसको भी 4000 mAh कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे कंटेंट दिए हुए हैं। आपको एक फ़ोन मिलने वाला है, एक अडेप्टर मिलने वाला है, एक USB टाइप सी केबल मिलने वाली है। जी हाँ, गौर करने वाली बात ये है कि MI का इस फ़ोन के अंदर आपको माइक्रो USB चार्जर नहीं मिल रहा है, आपको टाइप सी केबल यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा आपको एक यूज़र गाइड मिलेगी, एक वारंटी कार्ड मिलेगा, एक सिम इजेक्शन टूल मिलेगा। तो ये सब है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अच्छी बात जो मुझे लगी, इसके ऊपर लिखा हुआ मेड इन इंडिया, तो मैं अलग अलग कंपोनेंट को भी चेक करूँगा कि उनके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हो तो मुझे मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा ये जो फ़ोन है ये ब्लैक कलर का है और 4GB की रैम है और 64GB की इसकी हार्ड डिस्क है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। तो सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब फ़ोन देख लेते हैं कि फ़ोन कैसा है। तो इसका ऊपर का जो बॉक्स है ये मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे MI लिखा हुआ है, राइट। बहुत ही अच्छा ये ब्यूटीफुल बॉक्स है। तो मैं इसकी जो सील है वो यहाँ पे कट कर लेता हूँ।
दोस्तों सील मैंने ये कट कर ली है और अब हमारे सामने आ रहा है MI A1। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये MI A1 बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसके टू कैमराज, यहाँ पे फ्लैश है इसका, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसके अलावा ये यहाँ पे IMEI नंबर लिखा हुआ है और बारकोड के साथ है, ये MI का जो लोगो है वो है। इसके अलावा फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट भी इसका काफ़ी अच्छा है, इसकी कर्व्ड यहाँ पे बॉडी है, देखिए स्लीक कर्व्ड बॉडी है। इसके अलावा ये यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का आपको जो फ्रंट कैमरा की हम लोग बात कर रहे थे वो है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ करने का बटन है, ये वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स हैं। इसके अलावा और मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पे ये स्पीकर हैं, ये टाइप सी का जो चार्जिंग पोर्ट है, ये यहाँ पे 3.5 mm का जैक है। इसके अलावा ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीक डिज़ाइन है, ये यहाँ से आप सिम ट्रे है, यहाँ पे आप सिम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इस फ़ोन के अंदर आपको जो मेमोरी कार्ड स्लॉट है वो अलग से मिल रहा है, या जो इसका अभी तक चल रहा था MI का कि आप या तो 2 सिम इंसर्ट कर सकते हो या 1 सिम और मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, वही सेम इन्होंने कॉम्बिनेशन रखा है। तो ये मैं इसको खोल के देखूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो कुल मिला के मुझे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाथ में लेके बहुत ही अच्छी प्राइम लुक प्राइम फील आ रहा है मुझे। तो चलिए अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको मैं इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ोन जो है ये कैसा दिखने वाला है। दोस्तों जब तक फ़ोन कॉन्फ़िगर हो रहा है हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये एक और बॉक्स है छोटा सा। तो यहाँ पे ये सिम इंसर्शन टूल है, मैं इसको निकाल लेता हूँ, हम इसके अंदर सिम डालने वाले हैं। इसके अलावा इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ कि इस बॉक्स में मुझे क्या मिलने वाला है। तो अगेन इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और है यहाँ पे, तो ये कुछ सामान इसके अंदर से निकला है दोस्तों। तो ये इसकी टाइप सी केबल है और ये इसका अडेप्टर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केबल है ये माइक्रो USB टाइप नहीं है, ये टाइप सी केबल है। इसके अलावा ये इसका अडेप्टर है। तो अगर मैं अडेप्टर के ऊपर लिखी हुई चीज़ें देखूँ तो दोस्तों अडेप्टर के ऊपर यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट बाहर बॉक्स पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ था या मेड इन चाइना है। चलो कोई बात नहीं, इसको साइड में रख देते हैं। तो ये यहाँ पे यूज़र गाइड है, राइट, वारंटी मैनुअल है, इसको भी साइड में रख देते हैं। तो इसके अलावा ये यहाँ पे स्क्रीन गार्ड आपको मिल रहा है, तो आपको एक स्क्रीन गार्ड मिल रहा है और एक मॉप मिल रहा है स्क्रीन को साफ करने के लिए, छोटा सा कपड़ा है, राइट। तो MI ने फर्स्ट टाइम कोई स्क्रीन गार्ड फ़ोन के साथ रखा है, अभी तक जो भी फ़ोन आते थे उनमें स्क्रीन गार्ड नहीं होता था। तो चलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप टेम्पर्ड ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब फ़ोन को देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने फ़ोन ऑन कर लिया है और कुल मिला के जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो इसके अंदर नॉर्मल जो MI के फ़ोन्स हैं उसका बिल्कुल भी इम्प्रेशन नहीं है, इसमें प्योर एंड्रॉयड है। तो मैं अगर आपको सेटिंग्स यहाँ पर खोल के दिखाऊँ तो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको इस फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 7.1 आपको मिलने वाला है। मैं चेक करूँगा कि इसकी अपडेट शायद अवेलेबल हो, ओरियो इसमें अवेलेबल हो, तो आपको यहाँ पे नोगट बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंस्टॉल मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत सारे टूल्स जो हैं मिसिंग है यहाँ पे जो कि MIUI में प्रेजेंट थे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस फ़ोन की जो सिम ट्रे है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सिम इंसर्शन टूल से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल ट्रे है जो कि या तो आप इसके अंदर 2 सिम यूज़ कर सकते हो या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है क्योंकि आज के टाइम में मेमोरी जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे केस में MI को चाहिए कि वो 2 सिम और मेमोरी कार्ड का स्लॉट अलग से दें। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फ़ोन जो है कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको इस फ़ोन के थ्रू, इसके बैक कैमरे के थ्रू खींची गई फ़ोटोज जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट आप जज कर सको कि ये फ़ोन जो है ये लो लाइट में और ब्राइट लाइट में कैसा काम कर रहा है इसका कैमरा। तो चलिए फ़ोटोज़ देख लेते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ साथ आपको MI A1 जो कि बहुत ही स्मार्ट स्लीक ब्यूटीफुल फोन है वो भी पसंद आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा सो दैट फ्यूचर में भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सो दैट वो भी इस स्मार्ट और स्लीक फोन के बारे में जान सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।